आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत की सबसे पॉपुलर और मजेदार साबूदाना खिचड़ी। आप देख सकते हैं इसके एक एक दाना अलग अलग है और साथ साथ ये बनी है सॉफ्ट। आज हम आपसे शेयर करेंगे कुछ जरूरी टिप्स ताकि आपकी साबूदाने की खिचड़ी एकदम परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साबूदाने की खिरी खिरी खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे एक कप साबूदाना। ये खिचड़ी बनाने के लिए आप मोटे दाने वाले साबूदाना यूज करें। तो पहले इसे आप 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर इसे इसके लेवल तक थोड़ा सा पानी में इसे भीगने के लिए छोड़ दीजिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। यह मैंने पहले से ही साबूदाने को भिगो कर रखा हुआ है और आप देख सकते हैं ये साबूदाना हमारा इतना अच्छे से भीग चुके हैं कि एक एक साबूदाना अलग अलग है और साथ साथ ये खिला खिला भी बने हैं। तो एक साबूदाना हाथ में लेकर इसे ऐसे उंगलियों से दबाने से ये देखिए ये अच्छे से मैश भी हो रहा है। तो अंदर तक ये पानी सोख करके सॉफ्ट हो चुके हैं। तो साबूदाने को आपको ऐसे तैयार करना है ताकि ये सॉफ्ट बने और साथ साथ अपनी शेप में भी रहे। अब खिचड़ी बनाने के लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई लेकर इसको थोड़ा सा हीट करके इसमें शुद्ध देसी घी 2 से 3 टेबलस्पून डाल दीजिए। व्रत की रेसिपी है तो घी डालें। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें हम 1 कप कच्चे मूंगफली डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली को आप तब तक फ्राई कर लीजिए जब तक ना इसका कलर गोल्डन हो। साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनाने के लिए आप इसे ज्यादा पानी में मत भिगोए। ये एक जरूरी टिप है, इससे आपकी खिचड़ी खिली खिली बनेगी, नहीं तो आपकी साबूदाना एकदम चिपकी चिपकी बनेगी। 2 मिनट के बाद ये देखिए मूंगफली को हमने गोल्डन करके फ्राई कर लिया है और इससे चटचट आवाज भी आने लगे है। तो झटपट इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। ये देखिए ये कितना बढ़िया फ्राई हुई है। तो अब हम ये मूंगफली को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसे मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए 1 कप फ्राइड मूंगफली से 1/2 कप मूंगफली को इस तरह से मिक्सर में पीस लिया है और बाकी 1/2 हिस्सा को इस तरह से थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। इसमें थोड़ा बहुत मूंगफली दिखना चाहिए। आप उसी घी में 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। जीरा को चटकने देते हैं। उसी के साथ डाल देते हैं 2 चॉप्ड हरी मिर्च। यह मैंने लिया है थोड़ा सा करी पत्ता, इसे डाल दीजिए। इससे खिचड़ी में लाजवाब स्वाद आएगा फ्रेंड्स। कई लोग जो है वो करी पत्ता मिर्च खाते हैं व्रत में, कई लोग नहीं खाते हैं। तो अगर आप खाते हैं तो डालिएगा और अगर आप नहीं खाते हैं सिर्फ जीरा यूज करके ये खिचड़ी बना लीजिएगा। मसालों को 1 मिनट भून के इसमें अब हम 1 डाइस में कटी हुई आलू डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज के आलू को उबाल करके इस तरह से स्क्वायर में काट लिया है। तो आलू डालकर इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने 3 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल दिया है। अब आलू को हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसे गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। तो 3 मिनट के बाद ये देखिए आलू में एक गोल्डन सा कोटिंग आ चुका है। तो अब हम इसमें झटपट हमारा भीगे हुए साबूदाने को डाल देते हैं। उसी के साथ डाल दीजिए ये पिसी हुई मूंगफली को। अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। ये स्लिट किए हुए मिर्च को मैंने थोड़ा सा बाद में डाला हुआ है ताकि इसका फ्रेश टेस्ट खिचड़ी में आ सके। 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा जीरा को तावे पे भून लीजिए और मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। इससे ना पुलाव में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। उसी के साथ डाला हुआ है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक। व्रत की रेसिपी है तो यहाँ पे इसलिए हम सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। उसी के साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं ये दरदरा पीसी हुई मूंगफली को और एकदम लास्ट में 1/2 नींबू को इस तरह से निचोड़ के डाल दीजिए। धनिया पत्ता का बहुत ही बढ़िया स्वाद खिचड़ी में लाजवाब लगते हैं। अगर आप व्रत में नींबू मिर्च नहीं खाते हैं
तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो मसालों को हम साबुदाने के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर ये बहुत ही बढ़िया आने लगे हैं। इसमें कोई पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम पे रखें और इसे चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अगर आप बिना व्रत के ये साबुदाना खिचड़ी बना रहे हैं तो आप नॉर्मल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 3 मिनट इसे चलाते हुए पकाने के बाद अब मैं आपको कैमरा को जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए साबुदाना हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें इसे और 2 मिनट पकाना है एकदम लो फ्लेम पे, जब तक ना ये पूरी तरह से पक के ट्रांसपेरेंट हो जाए। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये टेस्टी और एकदम खिली खिली साबुदाने की खिचड़ी कितना बढ़िया तैयार हो गया है। एक एक साबुदाना अलग अलग है और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गए हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दीजिए। आपको मैं दिखाती हूँ जैसे ही ये चम्मच से इसे हम उठा रहे हैं, एक एक साबुदाना अलग अलग ऐसे गिर रहा है। एज ए 1 बोल मील ये बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट डिश है फ्रेंड्स, और कम मेहनत में बहुत ही जल्दी ये बन भी जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो झटपट इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म ये खिली खिली साबुदाने की खिचड़ी अब खाने के लिए तैयार है। इसे आप व्रत वाली चटनी या व्रत वाली रायते के साथ खा सकते हैं। व्रत स्पेशल एक से बढ़कर एक रेसिपीज है मेरे चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं उन रेसिपीज का लिंक डाल दूंगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।